हाय, तो देखिए, अब लास्ट वीडियो में हम काफ़ी कुछ बैक प्रोपगेशन का देख चुके हैं, तो अब तो बस थोड़ी सी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, मान लीजिए कि ये है इनपुट लेयर, ठीक है, X1, X2, X3 अनटिल XN, ये आपकी इनपुट लेयर। अब मान लीजिए यहाँ पे सेकंड लेयर से ये सारे कनेक्टेड हैं इस मैट्रिक्स के थ्रू। अब हम इतना नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपके पास ये है एलथ लेयर, सॉरी एल, कैपिटल एल हम बोलेंगे फाइनल लेयर को, ठीक है। तो इसको तो हम बोलते हैं सिर्फ एलेथ लेयर, ठीक है। इसी तरीके से करके अपनी फाइनल लेयर, एलेथ जो लेयर है उसमें आप अभी जिस प्रकार से हम चीज़ों से बात कर रहे हैं वो एक ही न्यूरॉन होगा, ठीक है। तो अब तो देखिए, एक ही न्यूरॉन होगा, उसके लिए जो जी है वो सिग्मा होगा। जी यानी कि एक्टिवेशन, इसके लिए सिग्मा होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने देखा कि जब L इक्वल टू 2 है तो ये इक्वेशन निकल के हमारे पास आती है। तो अब हम देखिए इसी को जनरलाइज कर देंगे इस न्यूरल नेटवर्क के लिए, जहाँ पे हम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे कैपिटल L, जो कि हमारी लास्ट लेयर है, और कोई भी जेनेरिक L हम लेयर ले लेंगे बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, देखिए खासकर ये है L-1, यहाँ पे वेट मैट्रिक्स है। आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप डी जेड एल इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा सोच के बताइए, एल भाई लास्ट वाला है इसका, तो हर बार की तरह डेल एल बाय डेल वाई हैट, जो कि हमारे यहाँ पे है ही, एंड डेल वाई हैट बाय डेल जेड एल। तो ये हमारा हो गया डेल एल बाय डेल जेड एल, तो वो वही वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो ये इक्वेशन से हमने इसको पा लिया। सिमिलरली ये इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, हम इसको अलग पेन से लिख देते हैं। हाँ, ये भी आप रेडी मान लीजिए। तो अब ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, देखिए डी डब्ल्यू एल इक्वल टू व्हाट, डी जेड एल ए एल माइनस वन ट्रांसपोज। फिर इसी तरीके से डी बी एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड एल। इसी तरीके से आप आते चले जाएंगे, ये एक ये बाकी रह गया। तो अब जैसे देखिए डी जेड एल माइनस वन क्या होगा, ये होगा डब्ल्यू एल ट्रांसपोज डॉट डी जेड एल एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन विद जी एल माइनस वन प्राइम जेड एल माइनस वन। तो अब देखिए हम एक जेनेरिक इक्वेशन लिख पानी चाहिए। तो अब देखिए ये डी डब्ल्यू एल माइनस वन फिर से क्या हो जाएगा, डी जेड एल माइनस वन डॉट, ऊपर वाले में ये हुआ था ए एल माइनस वन, तो अब ये क्या हो जाएगा ए एल माइनस टू का ट्रांसपोज एंड सो ऑन। तो आप एक जेनेरिक लेयर एल के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, ये तीन इक्वेशंस, नहीं तीन इक्वेशंस आ रही हैं, हम इन तीन इक्वेशंस को एक जेनेरिक एल के लिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए
अब लास्ट लेयर के लिए ही बस ये देखिए, ये इक्वेशन तो बस लास्ट लेयर के लिए वैलिड होती है ना, बाकी सब में तो इस टाइप की कुछ चीज़ें फॉलो होंगी। तो अब आप इस एलथ लेयर की बात करते हैं, इसके पास आगे भी एक हिडन लेयर है, पीछे भी एक हिडन लेयर है। तो हिडन लेयर के आगे वाली जो चीज़ है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो डिटेल में आप जाके उसको देखिए। अभी हम बात करते हैं कि डी जेड कोई भी एल को अपन कैसे लिखेंगे। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको लिख देंगे डब्लू एल प्लस वन, ठीक है, या हम एक काम करते हैं, चलिए ठीक है ना, ट्रांसपोज डॉट डी जेड एल प्लस वन मल्टीप्लाइड विद जी वन प्राइम जेड एल, सॉरी ये भी एल होगा एंड ये भी एल। तो देखिए हम यहाँ पे फ्रेश ही लिख देते हैं, बस खत्म। तो ये तो हो गया जेड की इक्वेशन, राइट। अब डी डब्ल्यू एल कैसे लिखेंगे, डी डब्ल्यू एल माइनस वन, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा डी जेड एल माइनस वन ए वापिस यहां पे देखिए डी जेड, ये अगर ये एल है तो ये भी एल रहेगा, ठीक है, ये एल है तो ये भी एल रहेगा, तो बेसिकली एल एल माइनस वन टी, तो ये अपने हो जाएगा एल माइनस टू यहां पे ट्रांसपोज। ठीक है, और फाइनल इक्वेशन जो अपनी बचती है वो है डी बी एल माइनस वन सेम एज डी जेड एल माइनस वन, ठीक है। तो इस जेनेरिक टर्म के साथ हमारा बैक प्रोपगेशन जो है एल लेयर पे भी खत्म हो गया है। थैंक यू।